देश के गर्व, हमारे चैंपियन एथलीट्स इंटरनेशनल स्टेज पर इंडिया का नाम। आने वाले एशिया कप और उसके साथ ही वर्ल्ड कप दोनों ही टूर्नामेंट में हमें युजवेंद्र चहल भारत की टीम का पार्ट बनते हुए नजर नहीं आए, जिसका मतलब है कि साल 2021 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसके बाद से किसी भी मेजर टूर्नामेंट के लिए युजवेंद्र चहल को भारतीय टीम में कंसिडर नहीं किया जा रहा है। इसके बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन है। कुछ लोगों का मानना है कि युजवेंद्र चहल क्योंकि बल्लेबाजी नहीं कर सकते हैं, उनकी बल्लेबाजी ना कर पाने की एबिलिटी और उसके साथ ही फील्डिंग में काफी खराब होने की वजह से जो बाकी के प्लेयर्स हैं जैसे कि अक्षर पटेल ऑलराउंडर है, कुलदीप भी इनसे कहीं ज्यादा बेहतर रिस्ट स्पिनर माने जाते हैं और वो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। इन्हीं रीजंस की वजह से चहल टीम से बाहर किए गए। लेकिन चहल के एशिया कप और वर्ल्ड कप से एक्सक्लूजन पर इनकी वाइफ धनश्री काफी ज्यादा भड़क उठी है। उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी पोस्ट करते हुए लिखा है कि युजवेंद्र चहल एक इंट्रोवर्ट है, यानी कि वो काफी ज्यादा शाय है, वो बिल्कुल भी बातचीत नहीं करते और इसी चीज का फायदा भारतीय टीम के द्वारा उठाया जा रहा है क्योंकि भारतीय टीम में उन्हीं प्लेयर्स को शामिल किया जा रहा है जो कि काफी ज्यादा बातचीत करते हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि भगवान सब कुछ देख रहा है और युजवेंद्र चहल के साथ इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी जिस तरीके की चीजें हो रही है उसके लिए भगवान ही जस्टिस करेगा। कमेंट करके आप लोग बताइए क्या आप लोग धनश्री के स्टेटमेंट से एग्री करते हैं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।